जिले संभल के चंदूसी में श्री रघुनाथ आश्रम ब्रह्माचार्य ट्रस्ट के तहत हर साल की तरह रामलीला का एहतमाम किया जा रहा। ये फोरम 70 साल पुराना है। माजी में हिंदू सनातन धर्म रामलीला नहीं हो सकती थी, लेकिन रामलीला सबके तौन से मुमकिन हुई। पिछले दो सालों से कोविड-19 की वजह से रामलीला नहीं हो सकी। सीता आश्रम पर चलने वाले रामलीला में अर्ध मोहा के इनकाद किए गए हैं और अकीदतमंदों को मोहालिया सड़क पर फिर भक्तों की तादाद रामलीला के स्टेजिंग में देखी गई है। इस साल सबके तौन से रामलीला का इनकाद किया जा रहा। श्री रघुनाथ आश्रम ट्रस्ट और एसोसिएशन के वजीर राजकुमार शर्मा, सदर विष्णु स्वरूप शर्मा, मेन एसोसिएट डॉक्टर वरेश मणि शर्मा, बबलू पाठक, प्रमोद वजीर, दुर्गेश शर्मा, सुशील शर्मा, पुष्पेंद्र ठाकुर, महावीर कश्यप, राजीव राजू और दीगर इस दौरान मौजूद थे। नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु स्वरूप शर्मा, अध्यक्ष रघुनाथ आश्रम ट्रस्ट। इसमें मैं संरक्षक हूँ और कलाकारों द्वारा, लोकल कलाकारों के द्वारा यहाँ का कार्यक्रम किया जा रहा है और डॉक्टर वीरेंद्र जी का इसमें विशेष सहयोग है और जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब सहयोग कर रहे हैं, उनके सहयोग से ही सब कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के बारे में कुछ थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी, कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताइए क्या खासियत है, क्या जैसे सबसे पहले हुआ था राम का जन्म, उससे पहले सीता का दिखाया था और उसके बाद खरदूषण का वध हुआ, नारद वो हुआ, आज जो है रामचंद्र का वनगमन हुआ राजा दशरथ। मतलब ये प्रोग्राम कब से कब तक रहेगा? ये 15 तारीख तक चलेगा साहब। ये कितने सालों से, कितने वर्षों से? ये बहुत पहले से आता था पर फ्रॉड काल के कारण जो है उसके कारण बीच में रोक दिया गया 2 साल। लगभग कितने लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं? मैं समझता हूँ करीब 2,000-2,500 कम से कम आता है। डॉक्टर वीरेश, डॉक्टर वीरेश जी, यहाँ पर जो बहुत सारे वर्षों से रामलीला होती आई है जी, हनुमान गढ़ी में, इसके बारे में कुछ यहाँ की विशेषताएं बताइए। नहीं, विशेषताएं तो यहाँ की वैसे ही विशेषताएं हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बड़ी भीड़ और उत्साह के साथ रामलीला देखने भी आते हैं, दुर्गा मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके साथ शंकर जी का भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ मूछों वाले शंकर जी हैं, बड़ा फेमस है और काफ़ी लोग इसके लिए आते हैं। यहाँ रामलीला के लिए भी लोग पहले से आके बैठ जाते हैं, अपनी अपनी सीट घेर लेते हैं। राइट टाइम हम लोग 7:30 बजे रामलीला शुरू कर देते हैं और 11:30 बजे उसका समापन हो जाता है। बहुत सहयोग करते हैं रामलीला के लिए, उसमें कुछ उसके लिए कुछ कहेंगे आप? नहीं, सहयोग तो हम ही क्या करते हैं, सब ये तो सब सम्मति से एक पंचायती काम है। आप भी सहयोग करते हैं, सभी लोग सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ आदमी का सहयोग किसी को ज़्यादा लगता है, ये उनकी मोहब्बत की बात है, लेकिन हमारा कोई सहयोग नहीं है, सभी का सहयोग है।